इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं कि अभी हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है। गोल क्या है इसकी वृद्धि करने का? गोल है कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो। तो यही इस एडिटोरियल में हम चर्चा करेंगे कि भाई ये जो डिसीजन लिया गया है ना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करने का, ये सही है या नहीं है, इसी की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करेंगे। तो देखो टाइटल क्या दिया गया है, फ्लीसिंग फ्यूल यूजर्स। फ्यूल यूजर्स का मतलब है कि भाई वे उपभोक्ता जो कि ईंधन का उपयोग करते हैं, है ना, ईंधन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता। फ्लीस, इस फ्लीस का मतलब होता है ज़्यादा कीमत वसूलना। फ्लीसिंग फ्यूल यूजर्स कि भाई जो उपभोक्ता फ्यूल का यूज करते हैं उनसे जो है ज़्यादा कीमत वसूली जा रही है, इसके संबंध में जो है हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। रेवेन्यूज फ्रॉम फ्यूल्स कम एट द एक्सपेंस ऑफ, एट द एक्सपेंस ऑफ का मतलब होता है की कीमत पर। पीपल रिलाई के बाद में आता है ऑन प्रीपोजिशन। रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर होना, किसी चीज़ पर डिपेंड होना। एंटायरली यानी पूरी तरीके से, ऑन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यूज फ्रॉम फ्यूल्स कम एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल। अब देखो ये जो है ना, जो ये वाक्य लिखा गया है, ये लिखा गया है एकदम मतलब हेडिंग की तरह है ये। तो हेडिंग जो है ना एक तरीके से ज़्यादातर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में होती है ज़्यादातर हेडिंग। लेकिन इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यूज फ्रॉम फ्यूल्स कि भाई फ्यूल्स के माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो रेवेन्यू, जो राजस्व एक तरीके से सरकार को प्राप्त होगा, है ना, वो किस कीमत पे प्राप्त होगा? एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल। एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल, उन लोगों को जो है इसका इसकी जो इस उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो कि निर्भर है पूरी तरीके से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर। ऐसे लोग जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरीके से निर्भर हैं उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। किस बात की? कि ये जो सरकार रेवेन्यू वसूल करना चाहती है ना फ्यूल की कीमत बढ़ा के, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को जो पूरी तरीके से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर निर्भर है, यानी कि निजी परिवहन पर निर्भर है। आगे देखते हैं। इन जस्ट 12 स्ट्रेट डेज, है ना, कि बिल्कुल सीधे सीधे इन 12 दिनों की अगर हम बात करें ना, इन जस्ट 12 स्ट्रेट डेज इंडियाज़ स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अब ये देखो स्टेट ओन्ड का क्या मतलब होता है कि भाई जो सरकार के नियंत्रण में है, जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है ना, तो उन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात की जा रही है जिनको कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है ना। इंडियाज़ स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव रेज, रेज का मतलब है और बढ़ा देना, द रिटेल प्राइसेस। रिटेल प्राइसेस का मतलब है खुदरा कीमत, जो आप पेट्रोल पंप पे जाके जो कीमत चुकाते हो ना उसको बोला जाएगा रिटेल प्राइस, है ना। हैव रेज्ड द रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बाय 6.55%, 6.55 रुपीज़ एंड 7.04 अ लीटर। तो 1 लीटर पर जो है पेट्रोल की कीमत रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, तो कुल मिला के पेट्रोल पर बढ़ा दिए गए हैं 6.5 रुपये और डीजल पर बढ़ा दिए गए हैं 7 रुपये। तो ये क्या मतलब हुआ, यहाँ से यहाँ तक का मतलब हुआ कि लगातार ये जो इन सीधे सीधे इन 12 दिनों की अगर हम बात करें, तो एक तरीके से भारत की ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इन्होंने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में वृद्धि कर दी है। कितनी? 6.5 और 7.5 क्रमशः। आगे देखते हैं तो क्या मतलब हुआ इसका, अभी इतनी वृद्धि हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंज्यूमर का मतलब है उपभोक्ता, एक कंज्यूमर इन दिल्ली वुड हैव एंडेड अप, है ना, वुड हैव एंडेड अप स्पेंडिंग अबाउट 9% मोर ऑन पेट्रोल एट एन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्यूल पंप ऑन थर्सडे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गुरुवार गया है ना हमारा, बीता गुरुवार है, इस गुरुवार को उसे कितनी कीमत देनी पड़ी होगी, है ना। एंड एंड अप का मतलब क्या होता है, समाप्त होना। एंड अप का मतलब होता है कि अंततः मामला यहाँ जा पहुँचा, है ना, कि अंततः परिस्थिति आपको कहाँ ले गई, उसको उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एंड अप, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो वृद्धि की गई उसको, उस वृद्धि की कीमतों को अगर हम जो है ख्याल में लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने, दिल्ली का कोई व्यक्ति है मानो कि अगर उसने गुरुवार को, है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप पे जाके अगर उसने मानो कि अगर पेट्रोल खरीदा होगा तो उसे जो है ना 9% ज़्यादा कीमत देनी पड़ी। वाइल जबकि दोज ड्राइविंग डीजल व्हीकल्स, इसके अलावा जो मतलब डीजल व्हीकल हैं, ये तो हो गई पेट्रोल की कीमत, है ना, कि भाई अगर दिल्ली में गुरुवार को अगर किसी ने पेट्रोल खरीदा होगा तो उसे 9% ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। इसके अलावा ये जो डीजल संबंधित वाहन हैं उनको कितनी चुकानी पड़ी? वुड हैव फाउंड, उनको ये उन्होंने ये पाया, है ना, उनको उन्होंने ये पाया, वुड हैव फाउंड देयर फ्यूल कॉस्ट हैड रिजन, रिजन का मतलब है और ज़्यादा बढ़ जाना, वुड हैव,
देयर फूल कॉस्ट हैड रिजन बाय अ लिटिल मोर देन 10%। तो कुल मिला के दिल्ली में गुरुवार को अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर पेट्रोल खरीदा होगा तो उसे 9% ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ा, और अगर किसी ने डीजल खरीदा तो उसको ये महसूस हुआ होगा कि उसे जो है 10% से ज़्यादा दाम देना पड़ा, है ना, ये इसका मतलब हुआ। आगे देखते हैं, ओवर द सेम पीरियड, है ना, ओवर द सेम पीरियड का मतलब इसी टाइम पीरियड के दौरान द प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना शब्द ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो देखो ये क्या है, ऑयल के टाइप्स हैं, है ना, कोई अच्छी क्वालिटी का, कोई मीडियम क्वालिटी का, है ना, तो कुछ तरह के ये ऑयल के प्रकार हैं, कच्चे ऑयल के प्रकार हैं। क्रूड ऑयल का मतलब है कि भाई ये कुछ कच्चे तेल के प्रकार हैं, तो ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये भी एक तरीके का तेल का ही प्रकार है। फ्यूचर्स, फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं ना जब तेल कंपनीज जब तेल खरीदती हैं, कि भाई जहाँ तेल निकाला जाता है, जो रिफाइनरीज हैं जहाँ से तेल जो है ट्रांसपोर्ट होता है, तो जहाँ से तेल खरीदे जाते हैं ना, तो तेल को क्या कॉन्ट्रैक्ट पे ख़रीदा जाता है कि भाई हम एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, दो महीने का, तीन महीने का, साल भर का, तो उनको कहा जाता है फ्यूचर्स। तो द प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स विच कंट्रीब्यूट ए फोर्थ टू द वैल्यू ऑफ द इंडियन क्रूड बास्केट। यहाँ पे बास्केट का मतलब है समूह, कि भाई जो भी एक तरीके से आप कहो कि इंडियन क्रूड बास्केट, कि भाई जो भी भारत का जो भी कच्चा तेल है इसका जो ग्रुप है ना, उसमें एक चौथाई योगदान है ना, ए फोर्थ, एक चौथाई योगदान जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल का है, यानी कि बाकी अन्य तेल हो सकते हैं दूसरे, है ना, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है उसका एक चौथाई योगदान है भारत के तेल क्षेत्र में। इनकी कीमत में जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि कमी आई है, विच कंट्रीब्यूट्स का मतलब योगदान देना, ए फोर्थ टू द वैल्यू ऑफ द इंडियन क्रूड, है ना, डिक्लाइन, तो देखो इसमें जो है कमी आई है। इसमें कमी आने का क्या मतलब हुआ, कि भाई ये जो तेल कंपनीज हैं इन तेल कंपनीज को तेल मिलेगा कम कीमत पर, और दूसरी ओर ये तेल कंपनीज उपभोक्ता को तेल बेचेंगी ज़्यादा कीमत पर। इनको तो मिल रहा है तेल कम कीमत पर और उपभोक्ता को बेचा जा रहा है ज़्यादा कीमत पर, है ना, तो ये और भी ज़्यादा मतलब हैरानी की बात है ना, ये है मामला, ये डिटेल बात करना चाह रहा है कि ओवर द सेम पीरियड, इसी पीरियड के दौरान हमें देखने को मिला कि एक और तो हम देख रहे हैं कि दिल्ली में 9% पेट्रोल, 10% डीजल ज़्यादा कीमत दिल्ली वाले व्यक्ति को जो है देनी पड़ रही है। दूसरी ओर हमें क्या देखने को मिला कि ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल के जो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये जो तेल खरीदा जाता है, इसमें कमी देखने को मिली हमें, डिक्लाइन बाय अबाउट कितनी 3% की हमें कमी देखने को मिली। और ब्रेंट क्रूड ऑयल का भारत का ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो टोटल तेल है ना उसमें योगदान है 1/4। आगे देखते हैं, इफ़ वन ड्रिल डाउन, ड्रिल डाउन का मतलब होता है कि यदि आप मतलब गहरे से निरीक्षण करो, है ना, बहुत अच्छी तरीके से अगर आप एग्जामिन करो, डीप रिसर्च करोगे अगर आप, इफ़ वन ड्रिल्स डाउन टू द प्राइस बिल्डअप का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ को में निर्मित होते जाना, है ना, धीरे धीरे बढ़ोतरी होते जाना, कि भाई बिल्डअप का अगर हम जैसे कि क्या है कि लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो कैसे बढ़ती जा रही हैं, बिल्डअप कैसे हो रहा है इनका, धीरे धीरे क्या निर्मित होता जा रहा है ना, घटनाक्रम का पूरा अगर हम जो है एक तरीके से विश्लेषण करें, उसको बोला जाता है बिल्डअप, कि मतलब धीरे धीरे निर्मित होना, चरण दर चरण निर्मित होना। इफ वन ड्रिल्स डाउन टू द प्राइस बिल्डअप डेटा शेयर्ड बाय IOC, कि भाई ये जो IOC, ये जो एक तरीके से तेल कंपनी है, इसके द्वारा जो आंकड़े शेयर किए गए हैं, उन आंकड़ों का अगर कोई जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से अध्ययन करे, कि भाई ये आंकड़े किस तरह से बढ़ते चले गए, कि तेल की कीमतें इतनी कम थी, धीरे 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 कैसे बड़ी होती चली गई, है ना, तो अगर उन आंकड़ों का अगर हम अध्ययन करें तो क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि पेट्रोल्स फ्रेट इंक्लूसिव बेस प्राइस एज ऑन जून 16 इन दिल्ली वाज 22.44 रुपीस। देखो इस फ्रेट का मतलब क्या होता है, इस फ्रेट का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरीके से भाड़ा, पेट्रोल्स फ्रेट, है ना, इंक्लूसिव बेस प्राइस एज ऑन जून 16 इन दिल्ली वाज, है ना, दो मतलब होते हैं इसके, भाड़ा भी होता है इसका मतलब, इसका मतलब माल ढुलाई जो की जाती है ना वो भी आता है। तो कुल मिला के पेट्रोल्स फ्रेट इंक्लूसिव बेस प्राइस एज ऑन जून 16 इन दिल्ली वाज 22.44, कि भाई ये जो एक तरीके से पेट्रोल है उसका भाड़ा, और आप में ये जो पेट्रोल की मूल कीमत है ना उसको भी आप इंक्लूड कर लो, तो जून 16 को जो है एक तरीके से ये जो तेल कंपनी से ना इनको पेट्रोल कुल मिला के कितने रुपये का पड़ रहा था, 22 रुपये का, है ना, 22.44 रुपये का, 22.5 मान लो, तो 16 जून की अगर हम बात करें तो ये जो एक तरीके से पेट्रोल कंपनीज हैं इनको पेट्रोल पड़ रहा था कितने का, 22 रुपये का। इसमें ये भी जोड़ लो आप, क्या ये जो भाड़ा है ना पेट्रोल का, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, इसको भी आप जोड़ लो, तो 22 रुपये का पड़ रहा था, है ना। ए सिग्निफिकेंट 23% हायर
देन द 18.28 रुपीज बिफोर द रिफाइनर्स एम्बार्क्ड ऑन देयर लेटेस्ट राउंड ऑफ प्राइस इंक्रीज। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 22 रुपये पड़ रहे थे ना, इसके पहले कितना पड़ रहा था, इसके पहले पड़ रहा था 18 रुपये का, कि भाई जून 16 को कितने रुपये का पड़ रहा था तेल, मतलब इसकी मूल कीमत की अगर हम बात करें तो वो पड़ रहा था तेल कंपनी को 22 रुपये का, इसके पहले कितना का पड़ रहा था 18 रुपये का, ए सिग्निफिकेंट 23% हायर। तो 18 से 22 ये है 23% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है ना, हायर देन द 18 रुपीज बिफोर द रिफाइनर्स। रिफाइनर्स का मतलब है कि भाई जहाँ पर ये जो तेल शुद्ध किया जाता है ना, एक तरीके से परिशोधक। एम्बार्कॉन, एम्बार्कॉन का मतलब होता है किसी जर्नी की शुरुआत करना, किसी यात्रा की शुरुआत करना है ना, किसी एक तरीके से आप कह सकते हो किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना। एम्बार्क्ड ऑन देयर लेटेस्ट राउंड ऑफ प्राइस इंक्रीसेस, कि भाई ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो प्राइस इंक्रीसेस का मतलब है कि भाई ये जो मूल्य बढ़ाने की, ये जो नवीनतम मूल्य बढ़ाने की जो शुरुआत की गई है ना रिफाइनर्स के द्वारा, कि भाई ये जो तेल शोधक ये जो कंपनीज हैं इनके द्वारा मूल्य बढ़ाने की जो शुरुआत की गई, इसके पहले तेल कितने का था 18 रुपये का, और बाद में जो है बढ़ के 16 जून को कितना हो गया 22.44। तो ये 22.44 है ना, यह है पेट्रोल की मूल कीमत जिसमें पेट्रोल का भाड़ा भी सम्मिलित है। आगे देखते हैं, तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि पेट्रोल ओरिजिनल रूप में कितने का पड़ रहा है 22 रुपये का, और उसे बेचा कितने का जा रहा है इतने रुपये का, 76 रुपये का है ना। आगे देखते हैं, इट इज़ डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग का मतलब क्या है कि भाई ये जो है ना परेशान करने वाली बात है ना, ये जो है आपको व्याकुल कर देने वाली बात है। इट इज़ डिसकंसर्टिंग दैट बिटवीन द OMCs, अब देखो OMCs के लिए कहा जा रहा है, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से इनके लिए कहा जा रहा है, विच हैड फ्रोजन। फ्रोजन का मतलब क्या होता है, फ्रोजन का मतलब जमा देना किसी चीज़ को है ना, मतलब बिल्कुल किसी चीज़ को रोक देना, इस किसी चीज़ को बिल्कुल ठहरा देना। विच हैड फ्रोजन देयर डेली रिसेटिंग ऑफ प्राइसेस फॉर ऑलमोस्ट 12 वीक्स। देखो क्या होता है कि ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें होती ना, इनमें के बारे में आपने देखा होगा कि भाई लगभग रोज ही बदलती रहती हैं, लेकिन हुआ क्या था कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इन्होंने कीमतों को स्थिर कर दिया था है ना। यहाँ पे फ्रोजन का मतलब बिल्कुल स्थिर कर देना, कि देयर डेली रीसेटिंग, कि भाई डेली सेट करना कि आज कितनी रहेगी कीमत, आज कितनी रहेगी। तो इन्होंने फॉर प्राइस फॉर ऑलमोस्ट 12 वीक्स है ना, लगभग 3 महीनों के लिए ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बिल्कुल फिक्स कर दिया था, फॉलोइंग अनुसरण करते हुए ए रिडक्शन ऑन मार्च 16। कि भाई क्या हुआ था, 16 मार्च को ओवरऑल जो है तेल की कीमतों में कमी आई थी है ना, फॉलोइंग ए रिडक्शन ऑन मार्च 16 है ना, कि भाई 16 मार्च को ओवरऑल जो है एक तरीके से जो कमी आई थी ना, टोटल कमी आई थी, उस टोटल कमी को फॉलो करते हुए इन तेल कंपनीज ने क्या किया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर कर दिया था है ना। अब देखो, अब ये तो हो गई कोमा से कोमा की बात, ध्यान देना, ये तो हो गई कोमा से कोमा की बात है ना, अब इसको भूल जाओ, ये कोमा से कोमा में इसका अर्थ पढ़ लिया ना हमने, अब डायरेक्ट आओ यहाँ पे कि इट इज़ डिसकंसर्टिंग दैट बिटवीन। अब बिटवीन आया है तो बिटवीन का मतलब है कि भाई दो ग्रुप की बात की जाएगी, तो किन किन की बात की जा रही है यहाँ पे, एक ग्रुप का एक हिस्सा हो गया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एंड दूसरा ग्रुप हो गया राज्य और केंद्र सरकारें। तो इन दो ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, एक ग्रुप तो हो गया राज्य और केंद्र सरकारें, और दूसरा ग्रुप हो गया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। तो इन दोनों ने क्या किया, ऑटोमोबाइल फ्यूल्स हैव बीन टारगेटेड। इन दोनों ने क्या किया है साहब, कि ये जो ऑटोमोबाइल फ्यूल्स हैं, कि भाई जो मोटर परिवहन से जुड़ा हुआ जो ईंधन है उसको टारगेट किया है, उसको निशाना बनाया है फॉर मिल्किंग रेवेन्यू। यहाँ पे मिल्क का मतलब है प्राप्त करना, कि रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए क्या किया है कि भाई ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इसके अलावा राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें हैं, इन्होंने जो है एक तरीके से ये जो मोटर परिवहन का आपका फ्यूल्स है इसको जो है निशाना बनाया है, और यह काफ़ी जो है मतलब परेशानी पैदा करने वाली बात है ना। द बिल्डअप डेटा शोस, कि भाई बिल्डअप डेटा, कि भाई किस तरह से तेल की कीमतें बढ़ती चली गई है ना, तो वह आंकड़ा क्या दिखाता है हमें, वह आंकड़ा ये प्रदर्शित करता है दैट एक्साइज ड्यूटी, कि भाई ये जो उत्पाद शुल्क है लेविड बाय का मतलब है कि उत्पाद शुल्क जिसके द्वारा चार्ज किया जाता है ना, कि भाई ये जो उत्पाद शुल्क लगाया किसके द्वारा जाता है, लेविड बाय द सेंटर के द्वारा लगाया जाता है, एंड वेट, और ये जो एक तरीके से वैल्यू एडेड टैक्स है कलेक्टेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टुगेदर। तो एक तरीके से सबसे पहले तो एक्साइज ड्यूटी लगा दी किसने, केंद्र सरकार ने, इसके बाद में वेट लगा दिया किसने, दिल्ली गवर्नमेंट ने,
और वेट लगने के बाद में और एक्साइज ड्यूटी के लगने के बाद में कितनी हो गई तेल की कीमत, कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है बन जाना या निर्मित हो जाना, टू थर्ड्स द रुपीज 76.73 पंप प्राइस। पंप प्राइस का मतलब है कि भाई पेट्रोल पंप पे अगर आप जाओगे तो आपको इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी ऑफ पेट्रोल एज ऑन जून 16 की अगर हम बात करें ना। तो देखो मूल कीमत कितनी थी अगर हम इसकी बात करें तो पेट्रोल की, कि भाई मूल कीमत थी इतना, कितना ये थी 22 रुपये, है ना, मूल कीमत थी 22 रुपये। अब नीचे आओ, अब जो है जब एक्साइज ड्यूटी लगाई गई उसके ऊपर और वेट लगाया गया तो टोटल कीमत कितनी हो गई, वो 76.23 हो गई। कितनी बढ़ोतरी हो गई उसमें, लगभग 2/3 की बढ़ोतरी हो गई, है ना। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। कुल मिला के इस एडिटोरियल में यही चर्चा की जा रही है कि भाई सरकार, केंद्र सरकार है ना, एक तरीके से क्या चाह रही है, अपने राजस्व की बढ़ोतरी करना चाह रही है। तो उसे अपने राजस्व की बढ़ोतरी करने के लिए सबसे सुगम जो उपाय नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि भाई पेट्रोल और कीमत, ये जो तेल की कीमत है ना, इनमें बढ़ोतरी कर दो और इसके माध्यम से जो है रेवेन्यू जो है ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब, ऑन द फेस ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्टता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है ना। ऑन द फेस ऑफ इट द OMCs की भाई ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका जो डिसीजन है टू रिज्यूम डेली प्राइस रीसेटिंग वुड अपीयर, कि भाई एक तरीके से ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से ना, इन्होंने डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया है कि भाई डेली सेट करेंगे हम पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है। भाई अभी तक तो हम क्या देख रहे थे, 3 महीनों से लगातार जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है स्थिर बनी हुई थी। अब इन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि भाई पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है ना वो लगातार जो है क्या किया जाएगा, उनमें बदलाव किया जाएगा, है ना। तो उनका ये जो डिसीजन है टू रिज्यूम का मतलब है पुनः शुरुआत कर देना किसी चीज़ की, डेली प्राइस रीसेटिंग वुड अपीयर टू बी इन ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब है विस्तृत, कॉन्फॉर्मिटी का मतलब है अनुरूप होना विथ द प्राइस डीरेगुलेशन। देखो एक तो होता है रेगुलेट करना किसी चीज़ को, नियंत्रित करना, डीरेगुलेट करने का मतलब है नियंत्रण को हटा लेना, प्राइस डीरेगुलेशन दैट द सेंटर हैज इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली का मतलब होता है जब तब, रुक रुक कर अगर कोई काम किया जाता है ना तो उसको कहा जाता है इंटरमिटेंटली। कमिटेड का मतलब है प्रतिबद्ध होना, टू एवर सिंस द गवर्नमेंट ऑफ द डे फ्री अप, फ्री का मतलब मुक्त कर देना पेट्रोल प्राइसेस इन 2010। देखो एडिटोरियल क्या बात करना चाहता है यहाँ से, यहाँ तक ये कहना चाहता है कि साहब क्या हुआ था 2010 में, उस समय जो सरकार थी, गवर्नमेंट ऑफ द डे, कि भाई 2010 में उस समय जो सरकार थी उसने क्या किया था कि ये जो पेट्रोल की कीमतें थी ना इनको मुक्त कर दिया था, कि भाई पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है, तो सरकार क्या कभी कभी नियंत्रण को हटा लेती है, तो 2010 में इस नियंत्रण को हटाने की शुरुआत की गई थी। तब से जब तब हमें ये देखने को मिला है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत पर नियंत्रण करने का जो एक तरीके से नियंत्रित जो ना कभी कभी नियंत्रण में ढील दे देती है ना, उसको डीरेगुलेट कर देती है ना, तब से करती रही है। तो अभी भी सरकार ने ऐसा ही किया है कि पेट्रोल और डीजल कंपनीज को जो है छूट दी गई है, उनके ऊपर जो सरकार का नियंत्रण होता है ना एक तरीके से उस नियंत्रण को हटा लिया गया। ये एडिटोरियल बात करना चाहता है कि भाई OMCs का जो डिसीजन है, ये OMCs ने ये डिसीजन लिया है कि भाई जो है डेली जो है प्राइस को रीसेट करेंगी, तो उनका ये जो डिसीजन है इस अनुरूप प्रतीत होता है, किस अनुरूप में प्रतीत होता है, विथ द प्राइस डीरेगुलेशन, कि भाई देयर द सेंटर हैज इंटरमिटेंटली, कि भाई उनका ये जो डिसीजन है ना यह प्राइस डीरेगुलेशन के अंतर्गत आता है, जो कि केंद्र सरकार करती रही है। कब से करती रही है, 2010 से हमें ये देखने को मिला है कि केंद्र सरकार कभी कभी परिस्थितियों के अनुरूप ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनको छूट देती है, ढील दे देती है थोड़ा सा, और जो रेगुलेशंस उसने लगा रखे हैं, जो नियंत्रण पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जो नियंत्रण एक तरीके से केंद्र सरकार ने इन कंपनीज पर लगा रखे हैं उनको जब तब हटा लेती है। तो अभी भी ऐसा ही किया गया है। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि द टाइमिंग ऑफ द रिसेंट मूव्स टू रेज लेवीज एंड रिटेल प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट्स एंड फ्यूल मार्केटर्स रेस्पेक्टिव, हाउएवर द टाइम्स ऑफ द रिसेंट, हालांकि अभी हाल ही में ये जो कदम उठाए गए हैं, टाइमिंग है ना, उनका जो टाइमिंग है, उनका जो समय, टाइमिंग ऑफ द रिसेंट मूव्स का मतलब अभी हाल ही में जो कदम उठाए गए ना टू रेज लेवीज, रेज का मतलब और ज़्यादा बढ़ा देना, लेवीज का मतलब है चार्ज, एक तरीके से टैक्स और ज़्यादा बढ़ा देना, एंड रिटेल प्राइसेस, इसके अलावा क्या कर देना कि ये जो खुदरा में जो तेल बेचा जाता है ना इसकी कीमतों को और बढ़ा देना, किनके द्वारा, कि भाई ये जो एक तरीके से क्या है कि ये जो लेवीज़ है मतलब चार्ज है वो तो बढ़ाया है सरकार ने, और एक तरीके से ये जो रिटेल प्राइस है उसको बढ़ाया है फ्यूल मार्केटिंग कंपनीज ने, है ना। तो इन दोनों के द्वारा ये जो कीमतों में वृद्धि की गई है रेस्पेक्टिव मतलब क्रमशः है ना, इज एट ऑड्स, एट ऑड, इस एट ऑड का मतलब होता है कि विषम होना, अनुरूप ना होना, लॉजिकल ना होना, उसको बोला जाता है एट ऑड,
इज एट ऑड्स विथ लॉजिक, है ना, कि भाई ये बात जो है ना तर्क के हिसाब से ये बात ठीक नहीं लगती। मतलब कि अभी हाल ही में सरकार द्वारा और इसके अलावा तेल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है एक तरीके से तेल की कीमतों को बढ़ाने का, ये जो है लॉजिक के अनुसार नहीं जाती बात, है ना, इज एट ऑड्स विथ लॉजिक, है ना, ये लॉजिक के खिलाफ जाती है बात एट ए पॉइंट, खासकर ऐसे समय पर व्हेन द कंट्री इज ग्रैपलिंग विथ, ग्रैपल विथ का मतलब होता है जूझना, कि भाई एक ऐसे समय पर जब देश जूझ रहा है, किस चीज़ से जूझ रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ ए पेंडेमिक, कोरोना वायरस के, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, खासकर ऐसे समय पर जब देश कोरोना वायरस के प्रभाव से जूझ रहा है, ऐसे समय में सरकार द्वारा और तेल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा तेल की कीमतों बढ़ाए जाने का जो निर्णय है यह लॉजिकल प्रतीत नहीं होता। आगे देखते हैं, द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग टेकिंग्स, द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग टेकिंग, इसका क्या मतलब है, फ्रॉम फ्यूल प्रोडक्ट्स, है ना, ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब होता है बराबर करना किसी चीज़ को, बैलेंस करना, है ना, उसको ऑफसेट का मतलब होता है बैलेंस करने की कोशिश करना, द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग टेकिंग्स, कि भाई उद्देश्य क्या है, मैक्सिमाइज का मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा, द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग टेकिंग्स, टेकिंग्स का मतलब है कि भाई जो कुछ भी लाभ सरकार को प्राप्त होता है ना, उस लाभ को जो सरकार जो है ज़्यादा करना चाहती है, द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग टेकिंग्स फ्रॉम फ्यूल प्रोडक्ट्स, कि भाई जो भी तेल उत्पाद हैं उनके माध्यम से जो भी लाभ प्राप्त होता है उस लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, टू ऑफसेट, कि भाई सरकार क्या करना चाहती है, बराबर करना चाहती है, ऑफसेट का मतलब बराबर करना, क्या बराबर करना चाहती है सरकार, शॉर्ट फॉल्स इन अदर रेवेन्यू स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा, शॉर्ट फॉल्स का मतलब है कमी, इन अदर रेवेन्यू स्ट्रीम, कि भाई अन्य क्षेत्र जिनके माध्यम से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है उन क्षेत्रों में कमी आई है, तो सरकार क्या करना चाहती है, फ्यूल प्रोडक्ट्स की कीमतों को बढ़ाकर उस रेवेन्यू की भरपाई करना चाहती है, कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते सारी की सारी गतिविधियां ठप्प पड़ी हुई हैं, तो विभिन्न गतिविधियों से जो सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है ना उसमें काफ़ी कमी आई है, अब सरकार क्या करना चाहती है कि तेल की कीमतों में वृद्धि करके वो जो कमी सरकार के रेवेन्यू में आई है ना उसको बराबर करना चाहती है, लेकिन सरकार का ये उद्देश्य जो है ना ये पूरा तभी हो सकता है कब, आगे एडिटर बताता है, कैन ओनली बियर फ्रूट, बियर फ्रूट का मतलब होता है फलदायक होना, है ना, एक तरीके से लाभ प्राप्त होना, है ना, कैन ओनली बियर फ्रूट इफ़ पेट्रोल एंड डीजल ऑफटेक, तो सरकार का ये जो प्लान है ना कि सरकार क्या करना चाहती है कि पेट्रोल और ये डीजल के माध्यम से जो है रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है, तो सरकार का ये जो मिशन है ये सरकार का मिशन तभी सफल हो सकता है, सरकार का ये मिशन जो है ये फल दे सकता है सरकार को, इफ़ पेट्रोल एंड डीजल ऑफटेक, ऑफटेक का मतलब क्या होता है, ऑफटेक का मतलब है उठाना, जैसे आपने लोन को ऑफटेक किया, लोन को उठाया, है ना, ऑफटेक का मतलब एक तरीके से कि भाई ये जो उपभोक्ता है ये पेट्रोल पंप पे जाके जो पेट्रोल खरीदते हैं, पेट्रोल उठाते हैं ना, इस प्रकार से ऑफटेक का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, इफ़ पेट्रोल एंड डीजल ऑफटेक रिमेन्स अनअफेक्टेड, कि भाई पेट्रोल और डीजल की जो बिक्री है वह अप्रभावित बनी रहती है तभी तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, अब वो है ना तभी तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, भाई लॉकडाउन के चलते सभी की कमाई कम हुई है, सभी के पास पैसा कम है, तो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के उपभोग में भी कमी आएगी, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाहता है ना, इफ़ पेट्रोल एंड डीजल ऑफटेक रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड द राइजिंग फ्यूल बिल डजंट एंड अप डिप्लीटिंग हाउस होल्ड, राइजिंग फ्यूल बिल, और सरकार ने ये जो फ्यूल बिल को बढ़ाया है ना, राइजिंग फ्यूल बिल का मतलब है बढ़ता हुआ फ्यूल का बिल, यानी कि भाई जो उपभोक्ता है उसका जो फ्यूल, जितना फ्यूल खरीदता था, जितना पैसा उसे चुकाना पड़ता था, उसमें भी जो है बढ़ोतरी हो रही है ना, डजंट एंड अप डिप्लीट, डिप्लीट का मतलब क्या होता है, डिप्लीट का मतलब होता है कमी आना, हाउस होल्ड का मतलब है कि भाई आपका ये जो घरेलू खर्चा होता है ना उसको कहा गया है डिप्लीटिंग हाउस होल्ड कंज्यूम्पशन बजट, अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, भाई लॉकडाउन के चलते सारे के सारे जो है कारोबार ठप्प पड़े हैं, तो कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई व्यक्ति के जो घर का बजट होता है ना, उसके घर के बजट में भी तो कमी आएगी, अगर इस घर के बजट में कमी नहीं आई होती तब तो हम कह सकते थे कि भाई उपभोक्ता जो है उतना ही तेल खरीदेगा जितना पहले तेल खरीद रहा था, और जब उतना ही तेल खरीदेगा तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है
कि भाई हर व्यक्ति के पास में पैसा कम है इस दौरान, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई अगर सरकार ये सोच रही है ना कि पेट्रोल और डीजल उतना ही खरीद उतनी ही बनी रहेगी, तो ये मामला ठीक नहीं है ना। पेट्रोल और डीजल की बिक्री में निश्चित रूप से कमी आएगी। इसके अलावा व्यक्ति के जो घर का बजट है ना, उस घर के बजट में भी कमी आएगी। तो जब घर के बजट में भी जो है कमी आएगी, है ना, तो घर के बजट में भी कमी आएगी, तो उतना पैसा वह जो है पेट्रोल और डीजल पर खर्च नहीं कर पाएगा जितना उसे खर्च करना था। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ? कुल मिला के ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो अपना लग रहा है ना, सरकार को रिवेन्यू बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब कम चांसेस लग रहे हैं सरकार को। एक बार फिर से समझना इस पूरे को, जो है मैं हिंदी करने की कोशिश करता हूँ, क्या मतलब ये हुआ कि अगर सरकार को ये लग रहा है कि सरकार जो है फ्यूल प्रोडक्ट्स के माध्यम से जो है बराबर कर लेगी, है ना, राजस्व की भरपाई कर लेगी, है ना, ऑफसेट मतलब बराबर कर लेना, कि भाई जो कमी सरकार को अन्य क्षेत्रों में, रेवेन्यू के अन्य क्षेत्रों में सरकार को जो कमी देखने को मिली है, अगर सरकार पेट्रोल के जो उत्पाद हैं इनमें बढ़ोतरी करके अगर सरकार अपने को रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है ना, तो सरकार का इस मकसद में सरकार तभी कामयाब हो सकती है। कैन ओनली बियर फ्रूट का मतलब है कि सरकार को, है ना, तभी फ़ायदा पहुँच सकता है, सरकार अपने मकसद में तभी कामयाब हो सकती है जब पेट्रोल और डीजल की ये जो बिक्री है यह अप्रभावित बनी रहे। इसके अलावा क्या, इसके अलावा द राइजिंग फ्यूल बिल, इसके अलावा ये जो तेल की कीमतों का बढ़ता हुआ जो बिल जो कि उपभोक्ता को झेलना पड़ेगा ना, डजेंट एंड अप, है ना, उसका परिणाम ये ना हो कि भाई डिप्लीटिंग हाउस होल्ड कंजुम्पशन बजट, है ना। डिप्लीटिंग का मतलब है कम होता हुआ उसका जो घरेलू बजट है, अगर उस घरेलू बजट में जो है अगर कमी नहीं आती है तभी तो इतना पैसा चुका पाएगा वो। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो सरकार का जो उद्देश्य है ना रेवेन्यू बढ़ाने का, वो भी जो है सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आगे देखते हैं, विथ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन येट टू रिस्टार्ट, येट मतलब अभी नहीं हुआ है, अभी होना है, कि भाई जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है अभी पूरी तरीके से स्टार्ट होना है इन मोस्ट अर्बन एरियाज़ की, भाई ज़्यादातर जो शहरी क्षेत्र हैं उन शहरी क्षेत्रों में अभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, एंड ऑपरेटिंग विथ टाइट रेस्ट्रिक्शन, और कुछ जो क्षेत्र हैं, कुछ शहरी जो क्षेत्र हैं अगर उनमें ऑपरेट है ना, अगर उनमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल भी रहा है तो वह बहुत टाइट प्रतिबंधों के साथ चल रहा है, रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध, एंड एट लोअर फ्रिक्वेंसी, और उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, यानी कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है तो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहा है ना, ज़्यादा बसें नहीं चल रही हैं, ज़्यादा ट्रेन जो है नहीं चल रही हैं, बहुत कम ट्रेन या बहुत कम बसें जो है चल रही है, और उन पर भी काफ़ी सारे प्रतिबंध हैं। इवन वेयर सम सर्विसेज हैव रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब पुनः शुरुआत हो जाना, कि भाई कुछ शहरी क्षेत्र जिनमें ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हो भी गई है, तो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फ्रिक्वेंसीज कम है और प्रतिबंध ज़्यादा है। इसके चलते क्या हो रहा है, मोस्ट कम्यूटर्स, कम्यूटर्स का मतलब है यात्री, ज़्यादातर जो यात्री हैं कंटिन्यू, वे लगातार इस चीज़ है, टू कंटिन्यू टू हैव लिटिल चॉइस, उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। अगर यहाँ पे ए लिटिल होता ना, तो इसका मतलब है कि कुछ विकल्प हैं उनके पास, तो ज़्यादातर जो यात्री हैं उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, सिर्फ उनके पास एकमात्र विकल्प है टू यूज़ पर्सनल व्हीकल्स, की वे जो है अपने प्राइवेट व्हीकल्स का यूज करें। आगे देखते हैं, ऑल्सो विथ द लॉकडाउन इम्पोज्ड, कि भाई जब से हमने इस लॉकडाउन को इम्पोज किया, इम्पोज का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लागू करना, टू कंटेन का मतलब है कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, द स्प्रेड ऑफ COVID-19, है ना, कि भाई जब से इस कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए इस लॉकडाउन को हमने लागू किया है, हैविंग सीवियरली हिट बिजनेसेस, हैविंग सीवियरली, सीवियरली का मतलब है बहुत ही बुरी तरीके से, हिट का मतलब है प्रभावित करना, कि भाई इसने जो है ना जितने भी बिजनेस गतिविधि हैं हमारी उन, है ना, एट ऑल लेवल्स, है ना, प्रत्येक स्तर पर जो भी हमारी बिजनेस गतिविधि हैं वे पूरी की पूरी गतिविधियां जो है बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। तो इतना सब हो जाने के बाद में द ओनस, ओनस का मतलब है जिम्मेदारी, ओनस के बाद में लगता है ऑन प्रीपोजिशन, अब ये जिम्मेदारी सरकारों पर है, विभिन्न राज्य सरकारों पर और विभिन्न केंद्र सरकारों का ये उत्तरदायित्व है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट्स, कि भाई जो भी सरकार चाहे केंद्र स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है टू फैसिलिटेट, है ना, ओनस का मतलब ध्यान रखना, जिम्मेदारी उत्तरदायित्व, है ना, टू फैसिलिटेट द रिजम्पशन, रिजम्पशन का मतलब है पुनः शुरुआत होना, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एवरी मैनर पॉसिबल, कि हर संभव, है ना, जो भी तरीका हो सकता है उस तरीके से विभिन्न राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका रिजम्पशन, उसकी पुनः शुरुआत हो सके। गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब होता है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, गिवन दैट क्या डिटेल बात करता है कि गिवन दैट डीजल इज द प्राइमरी फ्यूल, है ना, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डीजल जो है ना वह एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्राइमरी फ्यूल है, वह प्राथमिक ईंधन है, किस चीज़ के लिए, फॉर द वास्ट, वास्ट का मतलब है विशाल, फॉर द वास्ट एंड एसेंशियल रोड फ्रेट,
फॉर द वास्ट एशियन, है ना, रोड रोड फ्रेट, फ्रेट का मतलब क्या हुआ एक तरीके से यहाँ पे, फ्रेट का मतलब वही मैंने बताया ना आपको, माल ढुलाई जो होती है ना उसको बोला जाता है फ्रेट, है ना, कि भाई एक तरीके से कि भाई डीजल जो है वह मुख्य चीज़ है, किस चीज़ के लिए, कि भाई जो बड़े स्तर पर मुख्य और आवश्यक चीज़ है कि बड़े स्तर पर जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है ना, रोड के द्वारा जो माल की ढुलाई की जाती है ना, उसमें जो है डीजल बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। एवरी इंक्रीमेंटल एडिशन टू हॉलेज, हॉलेज का मतलब है व्यापारिक परिवहन, है ना, एवरी इंक्रीमेंटल एडिशन, इंक्रीमेंटल एडिशन का मतलब है धीरे धीरे बढ़ोतरी करते जाना, एवरी इंक्रीमेंटल एडिशन टू हॉलेज कॉस्ट एंड अप, एंड अप का मतलब है उसकी परिणति हमें इस रूप में देखने को मिलती है, डैम्पनिंग का मतलब है कमी आना, कम होना, बोथ द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड वाइडर इकोनॉमिक रिवाइवल, है ना। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम धीरे धीरे करके इस डीजल की प्राइसेस में वृद्धि करते हैं तो उससे हमें क्या देखने को मिलता है, जो व्यापारिक परिवहन की लागत है, जो व्यापारिक परिवहन की लागत है ना, उसके उसमें क्या होता है एंड्स अप, है ना, डैम्पनिंग व्यापारिक परिवहन की जो लागत है उसमें जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो बढ़ जाती है और उसके चक्कर में क्या होता है कमी देखने को मिलती है हमें, डैम्पनिंग, है ना, उसकी परिणति, एंड अप का मतलब है उसकी समाप्ति, उसकी परिणति हमें इस रूप में देखने को मिलती है कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, जो हमारा परिवहन उद्योग है, उसमें कमी आती है। भाई पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो सीधी सी बात है परिवहन उद्योग जो है मंद पड़ जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा, एंड वाइडर इकोनॉमिक रिवाइवल, और विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से जो हम अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं ना, रिवाइवल का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना, है ना, किसी चीज़ को जो है पुनर्जीवित करना। तो कुल मिला के हम जो ये इकोनॉमी को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर भी असर पड़ता है अगर डीजल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं ना। इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट अथॉरिटीज़, कि भाई जो भी संबंधित हमारे अधिकारी हैं ना, जो भी सरकारें हैं, रिमूव द स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर का मतलब क्या होता है कि भाई जो आपकी स्पीड को जो रोकते हैं ना, स्पीड ब्रेकर्स, है ना, तो ये स्पीड ब्रेकर्स हैं। क्या है स्पीड ब्रेकर्स? ये अभी हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो वृद्धि की गई है ना, यह अर्थव्यवस्था के रिवाइवल में स्पीड ब्रेकर्स हैं। क्यों? क्योंकि जब यार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो उसके माध्यम से क्या होगा कि ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है ये सुस्त पड़ जाएगी, और जब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सुस्त पड़ जाएगी तो ओवरऑल इकोनॉमी में जो है कमी आएगी, ओवरऑल इकोनॉमी धीमी पड़ जाएगी। क्योंकि अर्थव्यवस्था में हम जानते हैं कि हर जगह जो भी क्षेत्र काम कर रहे हैं उनको जो है कुछ ना कुछ तो सामान चाहिए ना, वो सामान कहाँ से आएगा, ट्रांसपोर्ट से ही तो आएगा वो सामान। तो इट इज़ इम्पेरेटिव, यह एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है दैट अथॉरिटीज़, की भाई जो विभिन्न संबंधित अधिकारी हैं वे क्या करें, ये जो भी स्पीड ब्रेकर्स हैं ऑन द पाथ बैक टू नॉर्मलसी, नॉर्मलसी का मतलब है सामान्य स्थिति, कि भाई हम अर्थव्यवस्था को यह जो सामान्य ऑन द पाथ बैक टू, हम चाहते हैं कि हम वापस अगर सामान्य स्थिति में लौट जाएँ, तो सामान्य स्थिति में लौटने के लिए हमारे मार्ग में जो बाधाएं हैं, है ना, उन बाधाओं को हटाना होगा, और उन बाधाओं को हटाने के लिए मुख्य जिम्मेदारी बनती है सरकारों की, विभिन्न केंद्र सरकारों की और विभिन्न राज्य सरकारों की।